ये ब्लॉग जो है ना संडे का है, यानी पहली नवरात्रि का है। और ये जब ब्लॉग जाएगा ना तो दूसरी नवरात्रि चल रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए माता रानी जा रही है, तो आप लोग को साथ साथ माता रानी की दर्शन करा रही हूँ, तो आप सब दर्शन कर लीजिए। पिछली वाली ब्लॉग में मैं आप सबको दिखाई थी कि मैं माता रानी के लिए चुन्नी लेके आई हूँ, तो मैंने ऐसे ही रख दी थी चुन्नी। तो अभी जो है मैं मंदिर को सजाने जा रही हूँ और चुन्नी भी माता रानी को ओढ़ाऊँगी। तो मैं चार चुन्नी लाई थी ना, तो एक चुन्नी जो है फालतू हो गया था, तो उसको मैं रख देती हूँ, फिर कभी काम आ जाएगा वो चुन्नी। पूजा का बर्तन धो ली हूँ और माता रानी के लिए ताजी फूलों का हार भी खरीद ली हूँ, तो अभी मैं पहनाऊँगी। उसके बाद ये सब सामान जगह पे रख देती हूँ और अब मैं ना एक चुन्नी जो है ना मैं यहाँ पे बिछा देती हूँ ताकि देखने में अच्छा लगेगा। ये जो मैं हाथ में ले रखी हूँ तो ये ना रुई की बत्ती है, और ये वाली बत्ती ना मुझे अच्छी लगती है जलाने में, क्योंकि ना ज़्यादा धुआं भी नहीं होता है इससे और ना पूरी तरह से जल जाता है। जो रुई की बत्ती होती है ना वो बहुत ज़्यादा धुआं करता है, तो इससे ना मंदिर भी काले पड़ जाते हैं जल्दी। तो यहाँ पर जो है मैं आरती कर लेती हूँ। तो हो गई मेरी पूजा संपन्न और आप लोगों ना मैं माता रानी को पास से दिखा रही हूँ, तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी माता रानी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, बहुत ही प्यारी लग रही हैं, तो आप लोग बताइएगा। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और पहली नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो मैं भी पूजा कर ली हूँ और देखिए माता रानी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। नवरात्रि ऐसा त्यौहार ही है ना, माता रानी खूब सज संवर जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती है, ऐसा लगता है बस देखती ही रहूँ। तो देखिए मेरी माता रानी भी बहुत खूबसूरत लग रही है, तो आप लोगों को ना मैं पास से दिखा रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो अभी जो है मैं पूजा कर ली हूँ और अब जो है हम जा रहे हैं चाय पीने। तो वैसे मैं व्रत नहीं रखती हूँ, केवल ना पूजा कर लेती हूँ, सुबह शाम नवरात्रि में पूजा चलता है, वैसे पूजा तो रोज़ ही होता है, तो मैं व्रत नहीं रखती हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं चाय बनाऊँगी और सब लोग पियेंगे। देख लीजिए बहुत, मतलब हटने का मन नहीं कर रहा यहाँ से, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ बैठने में। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं चाय, फिर आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर में। अमेज़ॉन पे सेल लाइव है, तो आप लोग भी जाके वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, खूबसूरत सी कुर्ती ज्वेलरी, आप लोग को जो चाहे आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैंने भी कुछ कुर्ती शॉपिंग करी है, तो चलिए आप लोग को मैं एक एक करके दिखा देती हूँ। खूब सारा नहीं है लेकिन फिर भी जो है मेरे पास मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो पहली कुर्ती मैंने जो शॉपिंग करी है वो ये है, मैरून कलर में कुर्ती है और ये गो सिल्क की ब्रांड का कुर्ती है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका जो है स्लीव्स बाजू 3/4 नहीं है, यहाँ तक बाजू है इसकी, और इस तरह से ना बाजू में पट्टी लगी हुई है और लॉन्ग कुर्ती है। और कपड़ा का बात करें तो कपड़ा का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं, और ब्यूटीफुल कलर भी कितनी खूबसूरत है। तो इसके साथ आई है पैंट, और पैंट भी देख सकते हैं आप लोग, और ये पैंट भी फुली इलास्टिकेटेड है और इसमें कोई पॉकेट नहीं दी गई है। तो मैं हमेशा कुर्ती और पैंट का सेट ही मंगाती हूँ, दुपट्टे वाली सेट में बहुत कम मंगाती हूँ। तो नेक्स्ट कुर्ती जो मैं ली हूँ वो है पिंक कलर में,
और ये भी लॉन्ग कुर्ती है। और इसका कपड़ा का बात करें तो कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, और ये भी गो सिल्क की ब्रांड का है। और इसका बाजू जो है आप लोग देख सकते हैं 3/4 स्लीव्स है, और बहुत प्यारा कलर है, वाइट और पिंक है। इसका भी मैं पिक लगा दूंगी साइड में, आप लोग देख लीजिएगा। और इसके साथ भी पैंट आया है और कोई दुपट्टा नहीं है। इसके साथ ना हम रेड दुपट्टे भी ले सकते हैं, वाइट दुपट्टा ले सकते हैं, पिंक भी ले सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। इसका पैंट जो है थोड़ी बहुत कुर्ती से अलग है, इसका डिज़ाइन अलग है, कुर्ती में डिज़ाइन अलग है और पैंट में भी डिज़ाइन अलग है। तो देखिए कितना प्यारा कलर है, पिंक और वाइट, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाली कुर्ती, और ये भी फुली इलास्टिकेटेड है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत प्यारा कुर्ती है। और नेक्स्ट कुर्ती जो है मैं मंगाई हूँ वो है ब्लू और वाइट कलर में, सॉरी ब्लू नहीं है, ये स्काई ब्लू और वाइट कलर में है। और इसका भी बाजू 3/4 है, और ये भी रेयन का कपड़े में है, बहुत बढ़िया है कुर्ती, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। और ये भी गो सिल्क की ब्रांड का ही है, ये भी लॉन्ग कुर्ती है, और इसके साथ पैंट और दुपट्टा आई है। तो ये जो मैं मंगाई हूँ ना, ये दुपट्टा सेट मंगाई हूँ, क्योंकि ये कुर्ती जो है ना मुझे देखते पसंद आ गया था। तो इसके साथ पैंट और दुपट्टा भी है, तो ये रही वो पैंट, और इसमें कोई पॉकेट नहीं है, ये भी फुली इलास्टिकेटेड है। तो पैंट जो है पूरी प्लेन है और कलर बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ जो है दुपट्टा आई है, और ये रही दुपट्टा, दुपट्टा पूरा प्योर कॉटन है और लॉन्ग दुपट्टा है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत, तो ये तीन कुर्ती जो है मैं मंगाई हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें से आप लोगों को कौन सा कुर्ती ज़्यादा अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। इन तीन कुर्ती में सारे कुर्ती मुझे पसंद है, क्योंकि तीनों ना मेरी पसंद की है, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद है वो मुझे पिंक वाली।